वो चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला छोटा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं। चोरी और फिर सीना चोरी, खड़गे जी बोलते हैं छोटा स्कैम है, बोलते हैं बहुत छोटा छोटा स्कैम है। तो बड़ा स्कैम क्या होता है वो खड़गे जी ही बताएंगे, और इनके लिए 5,000 करोड़ का घोटाला तो छोटा मोटा स्कैम है, ये खड़गे जी मानते हैं। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया प्रचार, विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी को तीसरी बार मौका मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा, पटना में सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। हिमाचल में नेम प्लेट मामले में खुद की पार्टी से उठ रहे हैं सवालों पर बोले विक्रमादित्य सिंह, कहा जो भी कहा वो कानून के दायरे में हिमाचल हितों में कहा है, हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प, कहा भारत में शामिल होने के लिए पीओके तैयार, अखंड भारत का सपना होगा साकार। सीएम योगी ने कठुआ से विपक्ष पर बोला हमला, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने देश को विभाजन और पलायन का दंश दिया है, भ्रष्टाचार दुराचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कांग्रेस और राहुल ने अग्निवीरों को लेकर अफवाह फैलाई, हमारी सरकार ने अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने का वादा किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस दर्ज, एमयूडीए घोटाला मामले में मैसूर लोकायुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर, जल्द हो सकती है पूछताछ। दिल्ली में ईदगाह के पास हंगामा, मामले में केस दर्ज, उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में फोर्स की तैनाती। दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की जीत, बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोटों से मिली जीत, आप उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट को लेकर बीजेपी हमलावर, कहा बंगाल में बिहारी छात्रों को निशाना बनाया चिंताजनक है, मारपीट मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का दावा, ऊर्जा मंत्री के घर में नहीं लगा स्मार्ट मीटर, बोले सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए स्मार्ट चीटर का काम करने में लगी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, ईडी की चार्जशीट में लालू यादव ही किंग पिन, चार्जशीट में दावा अपराध से अर्जित जमीन पर लालू के परिवार का कब्जा। संजौली मस्जिद विवाद मामले पर थम नहीं रहा है विवाद, आज हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आने पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवंतपुरा से आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार, आईडी समेत हथियारों का जखीरा बरामद। कन्नौज रेप केस के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर लगा गैंगस्टर, नवाब के छोटे भाई नीलू और पीड़ित की बुआ पर भी गैंगस्टर के तहत केस दर्ज, जेल में बंद है आरोपी नवाब। जमीन के दुरुपयोग पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा जल्द लाएंगे भूमि कानून संशोधन विधेयक, जमीनों की खरीद फरोख्त में दुरुपयोग पर होगा एक्शन। यूपी के सीतापुर में निजी अस्पताल में मासूम की मौत के बाद डॉक्टर की गुंडागर्दी सामने आई, बच्चे के शव को परिवार वालों की गोद से छीनते डॉक्टर का वीडियो वायरल, परिजनों से पैसे और जमा करने की मांग कर रहा था डॉक्टर। बदायूं में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, झोलाछाप डॉक्टर दुकान बंद कर मौके से फरार हुआ, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। यूपी के बिजनौर में नर्सिंग होम परिसर में घुसा गुलदार, परिसर में गुलदार घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, स्टाफ और ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जौनपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली, हमले में 4 लोग घायल, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया, ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई किसान की मौत, हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरा, जमकर हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में 9वीं के 2 छात्रों की शर्मनाक करतूत, एआई की मदद से महिला टीचर का बनाया अश्लील फोटो, पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला, गश्त पर निकली पुलिस टीम को दबंगों ने पीटा, महिला पुलिसकर्मी समेत 2 घायल, पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर राहुल यादव ने की खुदकुशी, हत्या लूट समेत 29 मामलों में आरोपी था, ससुराल पहुंचकर राहुल यादव ने अवैध असलहे से खुद को मारी गोली। गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
असम में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी कुरान अली ने हिंदू महिला को फंसाने के लिए करण सिंह बनकर आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 हाशिम सैफी के ढेर होने की खबर। हसन नसरल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बरसात कर रही है। F-35 फाइटर जेट से बंकर ब्लास्टर बम गिराया जा रहा है। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी। हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धुएं का गुबार उठता देखा गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, बेरूत हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। मलबे से 2 युवतियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजरायल पर किया हमला। हमले में 1 घर को पहुंचा नुकसान। देर रात उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजे। IDF ने उत्तरी क्षेत्र में परिचालन मिसाइलों के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेडों को संगठित किया। लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी जारी। यूएन में इजराइल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमले की बात स्वीकार की, लेकिन यह पुष्टि नहीं की कि नसरल्लाह निशाने पर था। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले को लेकर सीरिया में जश्न। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की संभावित मौत की खबर पर जश्न मनाया जा रहा है। IDF का हिजबुल्लाह के सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर हमला जारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की खाई है कसम। शुक्रवार देर रात बेरूत में इजराइल ने किए तेज हमले। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखा गया। न्यूयॉर्क में PM नेतन्याहू की स्पीच के करीब 1 घंटे बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइलें दागी। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से फोन पर ऑर्डर दिया। इजरायली सेना ने फोटो जारी किया। लेबनान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तेज। इजराइल किसी भी समय लेबनान पर कर सकता है जमीनी हमला। इजराइल सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन को लेबनान से लगती है देश की उत्तरी सीमा के पास तैनात देखा गया। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के होटल के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनी यात्रा के लिए ठहरे हुए नेतन्याहू, विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अर्दर गाजा और लेबनान के समर्थन में यमन में प्रदर्शन। नमाज के बाद यमनी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी सना की सड़कों पर उतरकर इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। जंग के बीच UNGA में इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास हथियार डाले तो रुक सकता है युद्ध। ईरान को ना मिले हथियार, ईरान ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। UN महासभा में इजरायली PM नेतन्याहू ने गिरफ्तारी की मांग करने के लिए ICC की आलोचना की। यहूदी राज्य के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर, 6 राज्यों में इमरजेंसी। 30 लोगों की मौत, कई घायल। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। आइलैंड की सड़कों पर बिखर गई नावें। करीब 1,000 उड़ाने रद्द। बेग पट्टी के पाक ने फिर फैलाए हाथ। अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर IMF से अतिरिक्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा।